देश में अभी रबी फसलों की बुवाई का सीजन चल रहा है। इसी बीच आए कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि इस बार तिलहन के रकबे में भारी बढ़ोतरी हुई है। सरकार को उम्मीद है कि बुवाई का सीजन पूरा होते होते यह रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 3 दिसंबर तक तिलहनी फसलों के रकबे में पिछले साल के मुकाबले 19 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अभी तक यानी 3 दिसंबर तक 83.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की बुआई हुई है। पिछले साल इसी अवधि में 64.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी, यानी इस बार आंकड़ा 18.92 लाख हेक्टेयर अधिक है। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तिलहन के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते कुछ महीनों से खाद्य तेल की कीमतों में काफी उछाल आया है, इससे आम ग्राहक को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। इसी को देखते हुए सरकार खाद्य तेलों के लिए जरूरी तिलहन के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की योजना पर काम कर रही है। सरकार का मकसद आयात से निर्भरता कम करना है। देश में तिलहन के रकबे में बढ़ोतरी के पीछे की मुख्य वजह है इस बार मिली सरसों की कीमत और सरकार की नीतियां। इस साल सरसों किसानों को काफी लाभ हुआ है। पूरे साल सरसों की कीमत MSP 4650 रुपए से काफी अधिक बनी रही। आगामी सत्र के लिए केंद्र सरकार ने सरसों की MSP में बढ़ोतरी करते हुए इसे 5050 रुपए क्विंटल कर दिया है। सरसों किसानों ने पूरे वर्ष 7000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक पर सरसों की बिक्री की है। कुछ क्षेत्र में ये आंकड़ा 9500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। इस बार मिले अच्छे दाम से उत्साहित किसानों ने आगामी सत्र के लिए इस रबी सीजन में जमकर सरसों की बुवाई की है। देश में राजस्थान सरसों का मुख्य उत्पादक राज्य है। यहाँ के किसानों ने इस बार राज्य सरकार के लक्ष्य से अधिक सरसों की बुवाई की है। राजस्थान सरकार ने 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई का लक्ष्य रखा था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई का काम पूरा हो चुका है। इस बार अक्टूबर के मध्य में बारिश हो गई थी, इस कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में रबी फसलों की बुआई में देरी हुई है। बुआई सत्र पूरा होने के बाद इन राज्यों से भी सरसों को लेकर अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसके लिए विशेष योजना की शुरुआत भी हुई है। दरअसल भारत के कुल खाद्य तेल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी 55% है। इसी को कम करने के लिए इसी साल अगस्त के महीने में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की थी। यह मिशन प्रमुख तौर से पाम तेल के लिए शुरू किया गया है। इसका मकसद है कि किसानों को पाम और अन्य तिलहनों की खेती को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता वाले बीज से लेकर प्रौद्योगिकी तक की सभी सुविधाएं मिले। नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल ऑयल पाम के तहत 11,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना है। भारत खाद्य तेल की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। हर साल भारत सरकार अपने खजाने से 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर खाद्य तेलों की मांग पूरा करती है। इंडोनेशिया और मलेशिया RBD पामोलिन और कच्चे पाम तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश हैं। इसके अलावा भारत मुख्य रूप से अर्जेंटीना से कच्चे सोयाबीन के तेल का आयात करता है। तेल उद्योग की प्रमुख संस्था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी के आंकड़ों के अनुसार भारत लगभग 2.5 करोड़ टन की अपनी वार्षिक खाद्य तेल मांग का लगभग 60% भाग का आयात करता है। भारत ने वर्ष 2019-20 के तेल वर्ष नवंबर से अक्टूबर के दौरान 1.31 करोड़ टन खाद्य तेल का आयात किया। इसमें से ज्यादातर आयात पाम तेल का किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।